दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। दोस्तों पुराने ज़माने में जब आंदोलन किया करते थे, पुराने ज़माने से मेरा मतलब अंग्रेज़ों के समय में, जब लोग आंदोलन करते थे तो आंदोलन करने के बाद जेल जाते थे, और उनका आंदोलन पूरे देश के लिए समर्पित रहता था और कुछ भी निजी मामले से मतलब नहीं रहता था। लेकिन आजकल के लोग जब जेल जाते हैं तो अपनी तुलना उन आंदोलनकारियों से करते हैं, उन महान हस्तियों से करते हैं जो जेल गए, और बताते भी हैं कि जेल कोई ख़राब जगह नहीं होती, जेल में तो इतने बड़े बड़े हस्तियाँ गए हैं, तो हमको जेल जाने से क्या घबराना। लेकिन वो बात अलग है, वो बताते नहीं है कि वो किस लिए जेल गए। जेल मारा पीटी में गए, जेल दंगे लफड़े करने में गए, या जेल किसी लड़की के चक्कर में गए। लेकिन जेल जाने का जो मैटर है, जो उनके लिए शर्म का विषय है, उसको गर्व का विषय करके बता देते हैं। बस ये बताते हैं कि बड़े बड़े हस्ती जेल गए और हम भी गए, ये नहीं बताते कि बड़े बड़े हस्ती पूरे समाज के लिए जेल गए, जन कल्याण के लिए जेल गए, इसलिए उनको इज्जत भी मिलती थी। लेकिन आप अपने निज कल्याण के लिए गए, अपने कल्याण के लिए गए, अपने गंदी हरकतों के कारण गए, इसलिए उनसे अपनी तुलना न करें। और दोस्तों ये बस नागरिक के ऊपर ही सही नहीं है, ये बड़े बड़े जन आंदोलन, अभी जो कहा जाता है जन आंदोलन कहा जाता है नहीं, उस पर भी लागू होता है। दोस्तों लोग आंदोलन से तुलना तो कर लेते हैं किसान आंदोलन को, लेकिन दोस्तों उन्हें पता होना चाहिए कि आंदोलन गांधी जी भी करते थे। और गांधी जी का जब सत्याग्रह आंदोलन चालू हुआ था, तो उस वक्त चौरा चौरी की घटना हो गई थी, और चौरा चौरी की घटना में पुलिस थानों को फूंक दिया गया था और कई पुलिसकर्मी मारे गए थे, और उसमें बहुत सारे पुलिस भारतीय भी थे। तो गांधी जी ने साफ साफ वो आंदोलन वापस ले लिया। कई लोगों ने कहा कि ये उपद्रवियों की चाल थी, बीच में उपद्रवी आ गए, तो गांधी जी ने कहा कि आपके आंदोलन में उपद्रवी आ गए तो वो आपकी समस्या है। बहुत सारे लोगों को समझाने, यहाँ तक कि इसके लिए गांधी जी की आलोचना भी हुई, लेकिन गांधी जी टस से मस नहीं हुए, वो आंदोलन को साफ साफ वापस ले लिए। लेकिन अभी का तो आंदोलन की बात ही कुछ और है। आंदोलन में शुरू से ही हो हल्ला, लफड़ा, तोड़ फोड़ और अहिंसा जैसी चीज का तो कोई नजारा ही नहीं है। एकदम सीधे तोड़ फोड़ और बलपूर्वक घुसना, ना कोई जगह का लेना देना कहाँ आंदोलन करना, ना क्या लेना देना, किसी को परेशानी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। और इस आंदोलन में इतना बड़ा घटना हो गया, कई पुलिस वालों को क्षतिग्रस्त किया गया, और यहाँ तक कि देश के झंडे ही बदल दिए गए। लेकिन ये तो है इस युग की बात, और मैंने बताया ही कि आजकल के कर्म के आधार पर लोग बातें नहीं करते हैं, कर्म के बस फल के आधार पर बात करते हैं। अभी क्या परिणाम हुआ, बस वो बात करते हैं। परिणाम ये दिखता है कि पुलिस ने अत्याचार किया, सरकार दबाव डाल रही है, ये नहीं दिख रहा है कि किन परिस्थितियों में सरकार दबाव डाल रही है। जिस तरह से चौरा चौरी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया था, और कहते हुए कि हम आंदोलन कर रहे थे तो हमारी जवाबदारी थी कि हमारे बीच में कोई और ना आने पाए, उस तरह से किसान संगठनों ने जवाबदारी नहीं ली। सीधे किसान संगठन तो सीधे दूसरे तरफ ये आरोप फेंकते हैं, यहाँ तक कि किसान संगठन तो सीधे सरकार के ऊपर ही आरोप फेंक देते हैं। कोई किसान संगठन ये नहीं कह रहा है कि इस आंदोलन में हमारे बीच ऐसे लोग आए, हमें इस बात का दुख है, हम अब इस आंदोलन को कोई और तरीके से करेंगे, कुछ भी नहीं। और एक तो बहुत ही बड़बोले नेता और बहुत ही ईमानदार पार्टी, शायद ही देश का कोई ऐसा पार्टी होगा इतना ईमानदार, वो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जिनके प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी हैं। इस महान पार्टी से आने वाले बिहार के राज्यसभा सदस्य मनोज कुमार झा जी किसान आंदोलन की तुलना जेपी आंदोलन से कर दिए, जयप्रकाश नारायण आंदोलन से कर दिए। अगर आपके दौर में जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ होता, इस सदन में अभी कई लोग हैं जो जयप्रकाश जी के आंदोलन से निकले हुए हैं, इंक्लूडिंग सभापति महोदय। जेपी के आंदोलन की कल्पना करिए, अगर जेपी को इन खाई बाड़ों कटीले तार देखना पड़ता तो क्या होता सर। कई मित्र हमारे बिहार से भी हैं जो जेपी आंदोलन से निकले हैं, एक बार सोचे दलीय दायरों को छोड़ करके कि आंदोलन को डील करने का क्या यह नजरिया उचित है। और क्या कहते हैं कि अगर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन होता तो इस तरह से वो काम करती सरकार। तो सबसे पहले एक बात बता दूं, जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन होता वो इस तरह से हिंसात्मक तरीके से नहीं होता, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में लोगों को इस तरह चारों तरफ से घेर नहीं लिया जाता, और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में अनुच्छेद 19 के तहत जो लोगों को मूल अधिकार प्राप्त हैं, सबसे पहला अधिकार कहीं भी आने जाने की आज़ादी, जो किसान आंदोलन के नाम पर बैठे लोग दिल्ली को चारों तरफ से घेर के कर रखे, कोई कहीं आ जा नहीं पा रहा है। और दूसरी बात,
और अनुच्छेद 19 में हमें यह भी अधिकार दिया गया है कि हम अपने कोई भी आंदोलन को शांतिप्रिय तरीके से करेंगे और उसका एक निर्धारित जगह होगा। लेकिन इस किसान आंदोलन में तो शांतिप्रियता का नाम ही नहीं है और इसका जगह तो पूरा देश ही अपना जगह आंदोलन का, जगह से क्या लेना देना। लेकिन जेपी आंदोलन में ऐसा नहीं था, तो इसलिए जेपी आंदोलन का तुलना एक किसान आंदोलन से करना जस्ट वैसी है जैसे मैंने पहले बताया था। दूसरी तरफ इस महान ईमानदार पार्टी के नेता मनोज कुमार झा जी ये भी कहते क्या, मैं क्या बोलूं, खुद ही सुन लीजिए। किसी को चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो कि किसान और खेतीहर समाज की बेहतरी आप किसानों से बेहतर समझते हैं, नहीं, वो अपने अपनी बेहतरी बेहतर समझते हैं। आप उनको समझाने चले कि तुम्हारे लिए हम कानून ला रहे हैं, बहुत बढ़िया कानून है, क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है। अब दोस्तों अगर गौर करेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि किसानों को समझाने की जरूरत नहीं है कि किसान का बिल अच्छा है, ये है, किसान अपना भला बुरा खुद समझता है। तो मैं कहता हूं भाई, जब किसान अपना भला बुरा खुद समझता है तो किसान सरकार के पास जाकर अपनी बात रखेगा ना। अब आप क्यों बीच में आ रहे हो? और अब आप लोग कहोगे कि किसान दिल्ली में अपनी बात ही रख रहे हैं ना, तो भैया जब किसान अपनी बात साफ साफ रख रहे हैं तो वहां इतने बड़े बड़े किसान नेताओं का क्या काम है? जब किसान अपना भला बुरा समझ रहा है तो किसान ही बस दिल्ली के बाहर जाकर बैठे। और इसमें केवल किसान नेता ही नहीं है, देश का सारा विपक्ष, मोदी विरोधी पूरा का पूरा गुट आकर वहां खड़ा है और वो वहां से किसानों को गुमराह कर रहा है। देखिए वाकई में किसान समझदार हैं, वो अपना भला बुरा जानते हैं और इसीलिए मैं जितने किसानों को जानता हूं पर्सनली, वो चुपचाप अपना खेती कर रहे हैं और शांतिप्रिय तरीके से अपना काम कर रहे हैं। उनको ये आंदोलन से मतलब ही नहीं है क्योंकि वो समझते हैं कि मेरा भला क्या है, मेरा बुरा क्या है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उन्हें उनका ओरिजिनल कीमत मिलेगा। जितने जो बिचौलिए हैं, अगर वो बेचारा 5 क्विंटल 10 क्विंटल अगर आलू उपजाता है तो उसको पहले बिचौलियों को बेचेगा। आलू अगर मार्केट में जाएगा 25 रुपये किलो तो बिचौलियों को बेचेगा 15 रुपये 16 रुपये किलो या 11-12 रुपये किलो, और बिचौलिए फिर कंपनी को देंगे, जैसे चिप्स कंपनी का कोई भी लेज हो गया और बहुत सारी जो चिप्स कंपनियां होगी वो उनको देंगे। अब ये लेज सीधे के सीधे किसानों से खरीदेगा 25 रुपये किलो, और तो और किसानों को जाना नहीं पड़ेगा, किसानों को अपना खर्चा करके मंडी तक नहीं जाना पड़ेगा, सब वो गाड़ी वाला खुद लेकर आ जाएगा खरीदेगा, तो इससे किसान माला माल ही होगा। और ये बात किसान अच्छे समझता है। अरे भाई बीच में तो आप आ रहे हैं, बिल खराब है, ये खराब है, आप किसानों को इतना ज्यादा भड़का रहे हैं ना कि मजबूरी में सरकार को समझाना पड़ रहा है। और दूसरी बात, मोदी सरकार की तुलना इंदिरा गांधी सरकार से करते हैं तो सबसे पहले मैं सब लोगों को बता दूं कि इंदिरा गांधी जो सरकार थी उसके समय में जो आंदोलन होते थे वो पूरा नियम से होते थे, एक निर्धारित जगह पर बैठा जाता था और उस वक्त आंदोलन किया जाता था और अलग अलग जगह से लोग अपनी राय रखते थे, वो भी शांतिप्रिय तरीके से। उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी सबको उठा के जेल में डाल देती थी। ये थी इंदिरा गांधी सरकार, ये थी इंदिरा गांधी। लेकिन अगर मोदी सरकार की बात करेंगे तो आप देख लीजिए कौन सा ऐसा आदमी को मोदी सरकार परेशान की है जो आराम से घर में बैठ के एक वाजिब तरीके से इस बिल का विरोध कर रहा है। विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन आप अपने मर्यादा में रहकर तो विरोध कीजिए। और मोदी सरकार बार बार कह चुका है, मोदी सरकार की तरफ से कहा जा चुका है कि आप अपना विरोध एक निर्धारित जगह पर कीजिए, लेकिन वो भी नहीं मान रहे हैं। मोदी सरकार केवल एक्शन उन्हीं के ऊपर ले रही है जो गलत तरीके से विरोध कर रही है, लोगों का आवागमन रोक रही है और लोगों को अनावश्यक परेशानी उठाना पड़ रहा है, या जो ट्विटर या बहुत सारे साधनों से जब विरोध कर भी रहे ना तो उसमें देश विरोधी गतिविधियां शामिल है, तब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसा नहीं कि कोई मोदी का विरोध किया और उसको प्रोटेक्ट कर दी, उसको गिरफ्तार कर लिए। देश विरोध करने पर लोगों को जेल होती है, आंदोलन करने पर लोगों को जेल नहीं होती, आंदोलन करने पर लोगों को खतरा नहीं होता, गलत तरीके से आंदोलन करने पर लोगों को ऊपर कार्रवाई की जाती है और लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। इसलिए मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से ना करें। और अगर मोदी इंदिरा गांधी जी जैसे होते ना तो मजाल है कि कोई एक शब्द बोल देता। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने अपने विचार, जो अपने जवाब मनोज कुमार झा जी को दिया, वो आपको ये विचार कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी विचारों के साथ।